हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से एक नया अपडेट आया है, जो कि पूरक परीक्षा ऑनलाइन मोड में लेने की तैयारी चल रहा है। दोस्तों, ये परीक्षा जल्दी होने के बाद ही दोस्तों आपका एक हफ्ते के भीतर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसका पूरा अपडेट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। छात्रों से पूरक परीक्षाओं के लिए आवेदन मांगे जाने के बाद अब रवि विश्वविद्यालय ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रवि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। रवि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं भी ब्लेंडिंग मोड में ही ली गई थी। इसी तर्ज पर रवि विश्वविद्यालय पूरक परीक्षाएं भी लेने के मूड में है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। प्रतिवर्ष लगभग 15,000 छात्र पूरक परीक्षा में शामिल होते हैं। इस वर्ष पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने घर बैठे उत्तर लिखने की सुविधा छात्रों को कोरोना संक्रमण के चलते दी थी, इसीलिए पूरक परीक्षा की पात्रता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या अत्यंत कम है। रवि विश्वविद्यालय ने 20 अक्टूबर तक छात्रों से पूरक के लिए आवेदन मांगे थे। इस वर्ष लगभग 400 छात्र ही पूरक में शामिल होंगे। दिवाली के बाद रवि विश्वविद्यालय परीक्षाएं लेने पर विचार कर रहा है। इसके लिए समय सारणी जल्दी ही जारी की जा सकती है। पूरक के इतर सेमेस्टर परीक्षाएं रवि विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड में ही लेगा। प्राचार्य को इस संबंध में पहले ही दिशा निर्देश दिया जा चुका है। इसके अलावा नियमित रूप से होने वाली बैठकों में भी कोर्स को लेकर फीडबैक मांगा जा रहा है। छात्रों को महाविद्यालय द्वारा भी सूचित किया जा चुका है। गौरतलब है कि सामान्य परिस्थिति में रवि विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन दिसंबर जनवरी में करता रहा है। इसीलिए फैसला कोरोना संक्रमण के चलते रवि विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर में पहले ही पर्याप्त पिछड़ चुके हैं। यदि पूरक परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है तो इसके लिए केंद्र निर्धारण से लेकर प्रश्नों पत्रों का वितरण, उत्तर पुस्तिकाओं का संग्रहण, मूल्यांकन व अन्य सभी प्रक्रिया रवि विश्वविद्यालय को अपनानी पड़ेगी। इसमें माह भर से अधिक का समय रवि विश्वविद्यालय को लग जाएगा। इसके उल्टा ऑनलाइन परीक्षा लेने की स्थिति में रवि विश्वविद्यालय के लिए सप्ताह भर में परिणाम घोषित कर पाना संभव है। इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड में हुई थी, इसीलिए रवि विश्वविद्यालय इसे भी ऑनलाइन ही लेना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, और पूरक परीक्षा के कोई भी अपडेट आएगा तो चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं पंडित रविशंकर के पूरी जानकारी अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।